ओके गाइस, सो वेरी वेलकम टू घाटी रिवर वैली देहरादून। ये देहरादून में एक आईटी पार्क के पास में एक डुप्लेक्स दिखा रहा हूँ जो घाटी रिवर वैली में है। ये एमडीडी अप्रूव्ड डुप्लेक्स है जिसमें आपको लगभग 24 फीट का फ्रंट मिलता है और इसके साथ में डेक जो आ रही है वो 50 फीट की जा रही है। तो ये 134 स्क्वायर यार्ड का टोटल एरिया होता है जिसमें एंट्री के पास में आपको ये पार्किंग मिलेगी। ये देखिए, ये पार्किंग है इसकी, पूरी काफ़ी बड़ी पार्किंग है। इसमें आपकी एक्सयूवी गाड़ी से लेकर सेडान गाड़ी सभी आ जाएगी। इस तरफ में देखेंगे तो ये वाला जो स्पेस है, यहाँ पे आप गमले रख सकते हैं, छोटी गाड़ी पार्क कर सकते हैं लाइक स्कूटी बाइक्स। और इसमें जो स्टेयर्स रहेगी ये बाहर से ही रहने वाली है, ये बाहर से ही रहने वाली है। ड्यूप्लेक्स अभी बिल्कुल नया है, काम इसमें चल रहा है, फिटिंग्स हो रही है। ठीक है, ये जैसे एंट्री करते हैं तो हमें एक हॉल आता है, इसमें फॉल सीलिंग का काम हो रखा है और लाइटिंग लगी हुई है और पूरा रेडी है डुप्लेक्स, बस थोड़ा बहुत फिनिशिंग का काम हो रहा है। इसमें इस साइड में देखेंगे आप तो एक बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी बड़े साइज़ का हॉल आता है जिसमें सामने वाली वॉल पे आपको टीवी पैनल के साथ में यहाँ पर वुडन थीम में रैक मिल जाएंगे। सीलिंग इसकी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है और फ्रंट में इसके एक बड़ा विंडो आता है जिसके साथ में एक डोर लगा है जो कि आपने यहाँ पर बाहर से गेट के पास से एंट्री लेकर इस साइड में जो पार्किंग बना रखी है या गमले रख रखे हैं वहाँ पे भी खुलता है। मतलब अगर आप इसको अपना जैसे ये एरिया है, यहाँ पे जो भी आपका गेस्ट आएगा वो इस वे से भी अंदर आ सकते हैं। इस हॉल के साइज़ की बात करें तो इसमें आपको कम से कम 16x12 का इसका साइज़ है, काफ़ी स्पेस है। 10 सीटर सोफ़ा के साथ में भी काफ़ी स्पेस बच जाएगा। यहाँ पे जो डाइनिंग स्पेस दिया गया है, डाइनिंग स्पेस में भी आपको काफ़ी सारा स्पेस मिलता है, काफ़ी बड़ा एरिया है ये डाइनिंग स्पेस। सामने की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक किचन दी जा रही है, फुल्ली मॉड्यूलर किचन है, 8x12 का इसका साइज़ है, काफ़ी बड़ा स्पेस है। ये देखिए, इस कॉर्नर से लेकर आपको यहाँ पर फ्रिज लगेगा और ये देखिए ऊपर फॉल सीलिंग, यहाँ पर भी फॉल सीलिंग दी हुई है। और ये है आपका स्टोव चिमनी लगने की जगह, यहाँ पर स्टोव आएगा और ये सामने का एरिया। अच्छा, किचन में पीछे की साइड में आपको एक बालकनी, बालकनी नहीं, लॉबी दी जाती है जिसमें पीछे की साइड से एक जाली लगाकर कवर कर दी गई है जिससे वेंटिलेशन कंटिन्यू आपकी बनी रहे। ओके, यहीं से हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर के फर्स्ट रूम में। ये देखिए, ये इसका फर्स्ट रूम है जिसमें वॉल के साथ बिल्कुल अटैच्ड करके, वॉल के साथ बिल्कुल आप देखिए ये वॉल है और ये इसका अलमीरा लगा हुआ है। तो इसमें ये जो कबर्ड से अलमीरा है, ये देखिए वॉल के साथ लगे हैं, बट आपको कम से कम नहीं तो भी 2 फीट का इसमें स्पेस मिलता है और काफ़ी स्पेसियस है ये अलमीरा। ठीक है, रूम का साइज़ ये है, इसमें काफ़ी बड़ा रूम का साइज़ है, लगभग 14x12 का रूम का साइज़ है। इसके साथ में ये अटैच वॉशरूम है, काम चल रहा है, फिटिंग का काम अभी हो रहा है। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने में पूरा डुप्लेक्स जो है वो रेडी हो जाएगा, फाइनल पेंट और XYZ जो भी इसमें काम ले जाते हैं। यहाँ पर जो डाइनिंग हॉल है उसी के साथ में लगा हुआ एक छोटा सा स्पेस ये है जो आप पूजा या स्टोर की तरह काम कर सकते हैं। ये है इसका कॉमन वॉशरूम। चलिए स्टेयर्स से ऊपर चल रहे हैं, स्टेयर्स से ऊपर जाके हम अब फर्स्ट फ्लोर पे देखेंगे। सामने फ्रंट पे आपको ऐसा एक एलिवेशन मिलेगा और ये है आपकी बालकनी। बालकनी के साथ से ही इधर पे हम अगर चलते हैं तो ये स्टेयर्स ऊपर चले गए यहाँ से और यहाँ आ गई हमारी फर्स्ट फ्लोर की एंट्री। एंट्री पर आपको मैं दिखा दूँ तो ये है एक हॉल जिसका नीचे वाले हॉल के बराबर ही साइज़ है। सीलिंग आप देखिए कितनी खूबसूरत सीलिंग है। और ये है इसका एक बेडरूम, तो एक बेडरूम नीचे था, एक ये है सामने, सेम साइज़ जो कि ग्राउंड फ्लोर पर था उस साइज़ की विंडो लगी है। एक एंट्री डोर यहाँ पे है, बालकनी से डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं और बाहर भी जा सकते हैं। अटैच वॉशरूम रहेगा इसमें जिसके साथ में ये देखिए यहीं पर ड्रेसिंग रूम है इसका और ये है इसका वॉशरूम। तो अभी वॉशरूम में खाली है सामान क्योंकि फिटिंग का काम चल रहा है। चलिए तो अब चल रहे हैं हम दूसरे रूम की तरफ में और दूसरा तीसरा सब यही है रूम। ये देखिए ये आ गया इसका दूसरा रूम जिसमें आपको एक वॉशरूम मिलता है और पीछे ये डक दी हुई है जो ऐसा बालकनी आप इसमें यूज़ करेंगे। तीसरा रूम इसका ये है, ये एक छोटा रूम है तो आप इसमें एज अ स्टडी रूम भी ले सकते हैं इसको बच्चों के लिए।
तो यहाँ पर 3 बेडरूम हमने देखे, एक स्टडी रूम देखा, और इसके साथ में अब चलते हैं ऊपर टॉप फ्लोर। वहाँ पर आपको स्टेयर्स के साथ में टेरेस के साथ में माउंटी मिलती है। ये वाला स्पेस जो है इसको एज अ स्टोर यूज कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा रूम है, बहुत बड़ा एरिया है इसका। अच्छा, ये आगे हम छत पे ओपन टेरेस कुछ इस तरीके का है, और यहाँ से व्यू बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। ये देखिए, आप किस साइड में भी देख लीजिए, ये देखिए पूरा देहरादून का और मसूरी का, ये देखिए ये पूरे मसूरी का हर जगह का यहाँ से आपको व्यू देखने को मिल जाता है। ये दिखा दूँ तो यहाँ पर ये है कॉलोनी, ये पूरी MDDA अप्रूव्ड कॉलोनी है। इसके अंदर में ये पार्क है, ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्क है, और 30 फीट वाइड रोड है। पूरी कॉलोनी में 30 फीट वाइड रोड है। ये देखिए, सो गाइस, ये है जो डुप्लेक्स घाटी रिवर वैली में है, जो कि 133 स्क्वायर यार्ड पर बना हुआ है। इसमें 3 रूम है, एक स्टडी रूम है। इसका जो टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया आ रहा है वो लगभग 2200 स्क्वायर फीट के अबाउट आ रहा है, और यहाँ पर 30 फीट वाइड रोड है। यहाँ MDDA अप्रूव कॉलोनी है, STP प्लान, सीवर सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ है। IT पार्क से केवल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस लगता है घाटी रिवर वैली का। और यहाँ पे जो अभी इसके प्राइस रखे गए हैं 133 स्क्वायर यार्ड में बने हुए 3 BHK डुप्लेक्स के केवल 1,20,00,000 रुपए की डिमांड है, जो कि स्लाइटली नेगोशिएबल है। फाइनेंस इस पर हर बैंक से होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको करना है यहाँ पे साइट विजिट। साइट विजिट करने के लिए दिए हुए नंबर पे कॉल करें, साइट विजिट करें, प्रॉपर्टी को देखें, और फिर उसके बाद में डायरेक्ट बैठ के डील को मैच्योर करें। तो इसी तरीके की और वीडियो मानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।